सुनीता जरा जल्दी करो प्लीज। ये लो तुम्हारा टिफिन। और एक बात, तुमने माँ के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है? वृद्धाश्रम में? हाँ देखते। देखो जो भी है जल्दी करो, नहीं अब तो बस भी करो, मुझे लेट हो रहा है। पीयूष चलो ब्रेकफास्ट करो। अरे आज बड़े जल्दी आ गए, बॉस इज आस्किंग फॉर यू, गो। ओ शिट। यस मे आई कम इन सर? पवन प्लीज कम इन। व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस कपल ऑफ डेज मैन? नथिंग स्पेशल सर। व्हाट नथिंग स्पेशल? पवन हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस मैन? अरे तुम ऑफिस में टाइम पर नहीं आते, रोज का काम तुम कंप्लीट कर नहीं पा रहे हो, ऑफिस में इन्वॉल्व नहीं होते, इतना डिस्टर्ब क्यों हो भाई? सॉरी बॉस, आई विल ट्राई माय बेस्ट। नो, जस्ट डोंट से दैट। अरे कुछ करके दिखाओ भाई। आई नो सम ऑफ योर कलीग्स हैव टोल्ड मी दैट यू हैव सम फैमिली इश्यूज, इट सीम्स। दैट्स नॉट द मैटर सर। दैट्स द मैटर, दैट्स द ओनली मैटर डियर। देखो पवन, प्रॉब्लम सबके घर में होता है यार, सास बहू के झगड़े कुछ नए नहीं है, पर इस प्रॉब्लम को तुम खुद कैसे सॉल्व करते हो वो इंपॉर्टेंट है। अरे सेम प्रॉब्लम मेरे घर में भी था, मेरे खुद के घर में, मैंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। देखो पवन, बुजुर्गों को उनके जैसे उम्र वाले और उन्हें समझ सके ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जो उन्हें वृद्धाश्रम में आसानी से मिल जाते हैं यार, वो वहां पर खुश और हम यहां पर खुश। बी प्रैक्टिकल पवन, बी प्रैक्टिकल, तुम्हें सक्सेस होना है यार। मैं सोच रहा था कि तुम्हारा प्रमोशन कर दूं, पर तुम हो कि एनीवेज टेक दिस शिट। ओके ये उस वृद्धाश्रम का विजिटिंग कार्ड है। ओके सर। आई नो पवन, डिसीजन मुश्किल है पर जरूरी भी है, थिंक अबाउट इट। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज। सर कुछ बात करनी थी, अर्जेंट है। ओके पवन, यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। यस पवन। ये क्या, वृद्धाश्रम का विजिटिंग कार्ड? हाँ मैं आज माँ से बात करता हूँ। अच्छी बात है। मम्मी मुझे राइस दो ना। पीयूष नो मस्ती, ठीक से खाना खाओ। माँ मैंने डिसीजन लिया है। किस बारे में? कुछ दिनों बाद आपको वृद्धाश्रम के लिए निकलना होगा। ठीक है। ठीक है। दादी।
बेटा घर घर खेल रहे हो? हाँ पापा, मैं बड़ा होकर ऐसे बड़ा घर बनाऊंगा। अच्छा, क्या क्या होगा तुम्हारे इस बड़े घर में? टीवी रूम, टॉय रूम, गार्डन, स्विमिंग पूल, सब कुछ होगा। अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा का रूम कहाँ होगा? मेरा बड़ा हो जाऊंगा तब तो आप बुढ़े हो जाओगे, तभी तो आप वृद्धाश्रम जाओगे ना।